दोस्तों, आज पूरा जगत, पूरा विश्व भक्तिमय होने वाला है, क्योंकि आज इस मंच पर रामायण की कथा होने वाली है। जिसे बोलो जय जय श्री राम। इंडियन आइडल के इस वीकेंड में दोस्तों, दो अलग दिन में अलग अलग एपिसोड मनाए जा रहे हैं, जहां पहले दिन में मोहम्मद रफी स्पेशल एपिसोड मनाया जाएगा दोस्तों, जिस दौरान की मेनुका पटेल का हमें ड्वेट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो वही दूसरे दिन में जहां श्रीमद रामायण स्पेशल एपिसोड मनाया जा रहा है, उस दौरान में भी मेनुका पटेल ने शानदार परफॉर्मेंस करके समय ही बदल दिया है। जहां की बात करें पहले दिन की मोहम्मद स्पेशल एपिसोड के दौरान में, जहां उन्होंने पीयूष पवार के साथ में मिलकर शानदार परफॉर्मेंस किए हैं, तुम जो मिल गए हो। हंसते जख्म मूवी का यह गाना है दोस्तों, जो 1973 में आई थी, और इसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी ने इसमें अपनी आवाज दी है, उस गाने को परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। पहले ये पूरा परफॉर्मेंस उनका देख लीजिए। सेलिब्रेट कर रहा है रफी साहब का जन्मदिन। तुम जो मिल गए हो, भविष्य इतना उज्जवल है क्योंकि रफी साहब है, अधिक लता जी खड़ी है यहाँ पर। तो जैसा कि अभी आपने ये शानदार सा परफॉर्मेंस इनका देखा, तो वही दूसरे दिन में श्रीमद रामायण स्पेशल एपिसोड के दौरान में मेनुका पटेल का हमें सोलो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और बहुत ही जबरदस्त और टचिंग सा परफॉर्मेंस ये करती हुई नजर आई है। पल पल है भारी मूवी स्वदेश का यह गाना है, जो 2004 में यह मूवी आई थी, जिसे की मधुश्री, विजय प्रकाश और आशुतोष ग्वारीकर जी ने अपनी आवाज दी है, उस गाने को परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो आप इनका यह दूसरा परफॉर्मेंस पूरा देख लीजिए। राम में साहस है जो, क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहा। तो जैसा कि अभी आपने यह शानदार सा परफॉर्मेंस मेनुका पटेल का सुना है दोस्तों, जिन्होंने की अपने खूबसूरत परफॉर्मेंस से समय ही वहाँ का बदल दिया और पूरे इंडियन आइडल के मंच को भक्तिमय बना दिया है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मेनुका पटेल की यह शानदार गायकी आपको कैसी लगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इंडियन आइडल 14 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए प्रभात जागरण।